नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। बाबा दादा बोलबो आपने आसुन सेल्फ जेडिटे माल अपन कर खालिद खान अमर रे खालिद खान अमर रे उपस्थित हुए हैं हमारे कुंडली के विधायक एडीडीए के वाइस चेयरमैन दुलालदा अपनी आसन करने के लिए বিন্দু উপস্থিত হয়েছে আমাদের মধ্যে, ওনাকে বলবো আসুন। তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য আমরা সকলে এখানে এসেছি। তিন দিন আগে একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল যেটা পড়া করে করা হয়েছিল, আর আজকে এখানে করা হলো। তার কারণ এটা আগেই করা কথা ছিল, কালকে সময়টা দিতে পারিনি, আজকে তার জন্য করা হয়েছে। এবং একমাত্র তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্যই আজ সকলে এখানে এসেছে। আমাদের দলীয় নেতৃত্ব যারা আছে, আমরা সকলে দলের কর্মী যারা রয়েছি, আমরা সকলে এসেছি সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। দাদা, আপনি কি জো হ্যায় গ্রেট খালিদ খান কাউন্সিলর, আপকে পার্টি কে থি এক সাল হয়ে গিয়ে, উনকি বরসি হুই, তো অভি ভি দাদা প্রশাসন জো হ্যায় কোই অ্যাক্টিভিটি নেই দেখা রহা। দাদা, আপ কুল্টি বিধানসভা কে বিধায়ক হ্যায়, ইস পর দাদা আপ ক্যা বোলনা চাহতে হ্যায়? বতা রহে ইয়ে জো বাত সাব বোল রহে হ্যায়, ये शुरू शुरू होने से बहुत अच्छा होता। जो लोग का नाम दिया गया, सुने हैं दो आदमी अरेस्ट होने के बाद ऐसा भागा हुआ है। अब प्रशासन का ऊपर दो एक दिन जाने दीजिए, हम लोग बैठ के जरूर प्रेशर देंगे। जिसका इसका नाम उन लोग को परिवार शिक्षा तरफ से एफ आई आर में दिया गया, सबको अरेस्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। वो छोड़ के अगर कोई है तो उसको भी देखना पड़ेगा अरेस्ट करने के लिए, होगा तो जरूर। लेट खालिद खान एक काउंसलर के भाई ने सीबीआई जांच का मांग किया, अरमान खान, इसका उस दिन तो हम बोले हैं इसको सीबीआई खाला देखा, जो पद्धति प्रोसीडियर है, प्रोसेस है, उसका हम बोले हैं। उसकी चाहिए सरकार का तरफ से माने होना चाहिए, और नहीं तो आपको कोर्ट का माध्यम से हाईकोर्ट से अपील करके होना चाहिए। लेकिन कब होता है, जब हमारा स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस कोई भी स्टेट में जब वो फेलियर हो जाता उस टाइम, तभी भी तो भगा हुआ है बहुत आदमी, हमको जैसे बता रहा सब भगा हुआ है। दो आदमी खाली अरेस्ट हुआ तो पहले लोग अरेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप जो मांग जो किए हैं सही मांग किए हैं, तो इसके साथ और जो कौन कौन, हम जो बोला खाली तो वो नहीं है और तो होगा, तो कौन कौन रहा? इस विषय पर आप क्या कुल्टी ऐसी से बात किए हैं? किसको? इस विषय, इस केस के बारे में अभी तक एफआईआर में अरेस्ट किए दिन बात करते रहे। उसके बाद थोड़ा हमारे पार्टी का ही सब आदमी बहुत आदमी बातचीत करने लगा, तो हम चुपचाप हो गया। और हमारा सब नेता लोग है बात करने लगा, मेरा पार्टी का माध्यम से हुआ है बातचीत, सब हुआ है। लेकिन आप दो तीन दिन के अंदर हम लोग अब बैठेंगे, बैठ के केस के बारे में पूरा डिस्कस सबको करना है, सबके साथ क्या हुआ नहीं हुआ। कोशिश तो ये लोग क्या ही है, उसका अरमान बहुत दब गया है, कोशिश किया है और सब वाइफ भी है, सब है, कोशिश किया का आदमी लोग किया है। लेकिन कितना दूर तक पहुंचा, क्या हुआ, इसका लिखा पूरा मेरा पार्टी को हम बोलेंगे पढ़ने के लिए। लेकिन पहले दो तीन दिन हम बाद उन लोग से पूछ लेंगे, तब तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद। आज जो प्रोग्राम आपने किया स्वर्गीय दिवस लेट खालिद खान काउंसिलर जो थे उनकी बरसी मनाई गई, इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? इस पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि खालिद को एक साल हो गए, हमें इंसाफ नहीं मिला है। ये हम एक शोक सभा रखे थे, खालिद हमारे टीएमसी के नेता थे, काउंसलर थे। एक रूलिंग काउंसलर का मतलब कि मर्डर हो जाता है उनके ही मोहल्ले में,
इसलिए प्रशासन कुछ नहीं करती है। खालिद के मर्डर के बाद हम 3-4 दिन बाद जब हम कमिश्नर ऑफिस गए हैं, हम मतलब कि सारे हमारे मतलब कि जितने भी वार्ड के हैं खालिद के चाहने वाले सब गए थे, हम लोग खालिद के फैमिली, हम बच्चे सब हम गए थे। तो ये बोला गया था कि 3 महीने बाद हम खालिद के कातिल को ढूंढ के ला देंगे। बिटिया आपका सुहाग उजड़ा है, हम आपके शौहर के कातिल को ढूंढ के ला देंगे। आज मैं पूछती हूँ कि ये मतलब कि क्या बोला गया था, मतलब क्यों बोला गया था? जब आप मतलब मेरे शौहर के कातिल को ढूंढ नहीं सकते थे तो प्रशासन ने मुझे ऐसा आश्वासन क्यों दिया था? मैं यही कहना चाहती हूँ कि उस दिन भी जो 24 अगस्त को हम लोग जुलूस निकाले थे CBI जांच के लिए, मैं उसमें भी बोलना चाहती हूँ कि CBI जांच होना चाहिए, जिससे पता खालिद बेकसूर थे, उनको मार दिया गया, उनका कोई कसूर नहीं था। हर चीज़ में मतलब कि हर एक चीज़ सामने आना चाहिए कि उनका मौत क्यों हुआ, कैसे हुआ, हर एक पहलू खुलना चाहिए। कुलटी विधानसभा के विधायक उज्जल चटर्जी आज प्रोग्राम में उपस्थित थे, उन्होंने बताया कि मैं 3 दिन के अंदर बैठक करूंगा प्रशासन के साथ और इसकी छानबीन करने की कोशिश करूंगा। जो FIR में जो अरेस्ट नहीं हुए अभी भी, उनको हम लोग प्रेशर देंगे कि अरेस्ट किया जाए। आज 1 साल होने के बावजूद प्रशासन उनको अरेस्ट नहीं कर सका। तो इस पर जो बात हुआ विधानसभा के MLA कुलटी के उज्जल चटर्जी ने बोला, पर आप क्या बोलते हैं उससे? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि MLA हम लोग के सपोर्ट में है, साथ दे रहे हैं, उनसे हम लोगों ने कहा है, उन्होंने आश्वासन दिया है, तो इंशाल्लाह होगा काम। और मैं ये अपील करना चाहती हूँ हमारे CM ममता बनर्जी से कि CBI जांच की हमें मंजूरी दें कि मेरे शौहर के कातिल को ढूंढा जा सके। अगर प्रशासन आप लोग का सपोर्ट नहीं करेगा तो नेक्स्ट स्टेप आप लोग का क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हम लोग सारे औरत लोग इनके साथ हैं, क्योंकि एक औरत का दर्द हम औरत लोग समझते हैं। वो 1 साल से जो दर्द से गुजर रही है, हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग एक साथ मिलके, अब अगर जल्दी से फैसला नहीं किया गया तो हम लोगों को फिर एक कड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, राजिया के साथ हम लोग सब एक साथ है कि नहीं? पानी का समस्या जो है कितने दिनों से हो रही है आप लोग? बहुत दिनों से, जब से रोड बना है, 2-3 साल से, जब से रोड बना है और जब से नल आया है जब से परेशान है। हम लोगों को यहाँ देखने वाला है ना, और कुछ करने वाला है राजा, वो इधर आता अभी दूर साल से भी राजा वो नहीं आ रहा इधर। तो अभी आप लोग काउंसिलर से क्या अपील क्या करते हैं, अनुरोध क्या करते हैं? काउंसिलर से हम लोग काउंसिलर को बार बार बोला गया है लेकिन वो सुनता ही नहीं, आता ही नहीं। यहाँ नाली बनाने बोले तो पहले रोड बना दिया। बात हर चीज सिस्टम से होता है, अब पहले रोड बना दिया, ड्रेनेज सिस्टम किया नहीं है, उसके बाद आपको बीच से रोड तोड़ा गया। रोड तोड़ने के बाद पूरा रोड एकदम पूरा चौपट हो गया, ड्रेनेज रहता तो फिर पानी का समस्या क्लियर हो जाता। अच्छा, बारिश होने से यहाँ की अवस्था कैसी हो जाती है? हम लोग पानी नदी भरा गया, घुटना इतना दूर तक पानी पूरा बाढ़ के जैसा होता है। ऐसा लगता है कि आप गाड़ी खरीदना नहीं होगा, नौकर खरीद के चलना पड़ेगा। सब डूब जा रहा है ना, जितना रोड का पानी घर में घुस रहा है, गली फल्ली जो ना, ना नाली है ना कोई इंतजाम है, गली भी जाता है, हम लोग आदमी से झगड़ा भी हो जा रहा है। पुराना सतरामपुर, कितने नंबर वार्ड है ये? 19 नंबर। काउंसिलर कौन है आप लोगों का? ये जो पानी की बहने की जो समस्या है ये कब से आप लोग झेल रहे हैं? 1 साल हो गया। अच्छा। बच्चा गिर रहा है, बड़ा गिर रहा है, सब गिर रहा है, गाड़ी का भी है छीटा पूरा घर में, आदमी नमाज किताब भी नहीं कर पा रहा है। जब पानी पड़ता है तो इसी तरह हो जा रहा है या कंटिन्यू? कंटिन्यू बह रहा है। अच्छा। पानी पड़ता है तो और ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा घर में घुस जाता पानी। अच्छा, उधर गली जाके देखिए हम लोग काउंसिलर कुछ करिए नहीं रहा, इतना बार बोले जाके रिपोर्ट कुछ करिए। काउंसिलर को कब गए थे बोलने के लिए आप? हो गया 5-6 महीना हो गया, गए तो हम लोग बोला हुआ 19 नंबर वार्ड का हम लोग नहीं जाएंगे करने के लिए। तो अभी इसका इस समस्या का सुझाव क्या है, इसका समाधान कैसे होगा? समाधान आप लोग कीजिए, आप लोग बोले। नहीं नहीं, तो यहाँ नाली का जरूरत है या फिर तालाब किस तरह जो है उसमें पानी जम रहा है? नाली की जरूरत है, अंडरग्राउंड हो या बीच से जैसे भी देना नाली चाहिए हम लोग। अच्छा, तो ये बारिश होने पर तो पानी जो है पानी पूरा घर में घुस रहा है। देखिए पानी गिरे चलते ऊंचा किए हैं, ये दिया गली देगा ना, पानी हम लोग कहां का है। पानी का समस्या कितने दिनों से हो रहा है? ये काफी सालों से ये समस्या चली आ रही है। नाली का पानी है और या किसी के घर का पानी आ रहा है? इसमें नाली का भी पानी शामिल है और कुछ तालाब का भी पानी बारिश की वजह से जो भर जाती है उस वजह से भी यहाँ पे आती है।
बारिश के दिनों में यहाँ का हाल जो है वो किस तरह का होता है? हाल इस तरह का होता है कि आपको आने जाने पे समझ में आएगा, ये जब आते हैं यहाँ पे वोट के समय में नेता मंत्रीगण, तो उन लोग जब सूखे रहते हैं उस समय में आते हैं। और आप जो पूछ रहे हैं कि किस तरह का समस्या होता है, तो ये तो मेरा ये कहना है कि वो लोग अगर आएंगे तो काफ़ी बेहतर होगा जानने में कि समस्या किस तरह का है। इसके बारे में आप अपने पार्षद को काउंसलर को जानकारी दी है? देखिए, काउंसलर को जानकारी काफ़ी सालों से दिया हुआ है, मगर उन लोगों का काम है सिर्फ आकर के कह देना कि काम हो जाएगा। काउंसलर कौन है आप लोग का? काउंसलर है यहाँ पे श्री प्रवीर कुमार चटर्जी उर्फ राजा चटर्जी। अच्छा, तो उसने क्या कहा इस ड्रेन के बारे में कि ड्रेन बनेगा नहीं बनेगा? कहना क्या है, नेता लोग का यही कहना है कि ड्रेन का काम हो जाएगा, मगर होने कब है इसका कोई गारंटी नहीं है। तो अभी तक ऐसा ही है कि हो जाए आने जाने में। अभी एक आदमी ने बताया कि यहाँ पे रास्ते में कोई एजेड आदमी था, कीचड़ में गिर गया वो, किस तरह? हाँ, सिर्फ एजेड आदमी का बात नहीं है, बच्चा भी गिरता है, जवान भी गिर जाता है। इस तरह का सिचुएशन है तो जवान को क्या, उसका पैर भी फिसल सकता है। तो अभी आप लोग इसका आगे क्या करेंगे अगर ड्रेन जैसे पार्षद नहीं बना? आगे हम लोग इसके लिए पिटीशन के लिए तैयार है, ऑनलाइन पिटीशन डाला जाएगा जो माननीय मुख्यमंत्री को जाएगा, और अगर उसमें भी कुछ नहीं हुआ तो पहले हम लोग इसको ऑनलाइन ट्वीट करके देखेंगे, अगर कुछ वहां से रिप्लाई आता है तो सही है, अगर नहीं आता है तो फिर हम लोग एक ऑनलाइन चिट्ठी करेंगे मुख्यमंत्री जी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ नदीम अहमद।